तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनी की नई मूवी वेनम द लास्ट डांस के बारे में, जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स का हिस्सा है। अगर आप इसे देखने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि मैं आपको इस फिल्म की सारी जानकारी देने वाला हूं। पहले एक बात ध्यान में रखें, ये सोनी का अपना यूनिवर्स है। यहां आपको कई अलग अलग और अनोखे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो शायद एमसीयू या दूसरी कॉमिक मूवीज से थोड़े अलग हों। इसलिए इसे एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। अगर आप इसे एक अलग यूनिवर्स समझेंगे तो ये फिल्म आपको और भी मजेदार लगेगी। अब चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। वेनम द लास्ट डांस वेनम की ट्रिलॉजी का आखिरी हिस्सा है। यहां हम देखेंगे कि यह कहानी किस तरह एडी ब्रॉक और वेनम के बीच की कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करती है। इस बार हमें अल्टीमेट बीन नाम का एक खतरा देखने को मिलता है, जो एडी और वेनम के लिए एक बड़ी चुनौती बनता है। कहानी की शुरुआत एडी की जेनोफेज नामक एलियंस से बचने की कोशिश से होती है, जो उसे और वेनम को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। बिना किसी स्पॉइलर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिल्म के पहले और दूसरे पार्ट में एडी ब्रॉक और इन डरावने मॉन्स्टर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यह कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत सारा थ्रिल देगा, जो आपको अपनी सीट पर बिठाए रखेगा। लेकिन जैसे ही हम तीसरे भाग में पहुंचते हैं, वहां कहानी थोड़ी धीमी हो जाती है। इस दौरान कुछ नए कैरेक्टर्स जोड़े गए हैं ताकि इमोशनल कनेक्ट बनाया जा सके, लेकिन यह उतना असरदार नहीं लगता जितना होना चाहिए था। अगर हम पिछले दो पार्ट्स की तुलना करें तो इस बार टोन और विजुअल्स में ऑब्वियस इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इस बार सीन और भी बेहतर नजर आते हैं। सिम्बियोंट्स के बीच का अंतर भी अच्छे से दिखता है, जो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। और हां, इस बार वेनम और एडी की केमिस्ट्री को और मजेदार बनाया गया है। दोनों के बीच का संवाद और टकराव आपको हंसाने और सोचने पर मजबूर कर देगा। अब बात करें वीएफएक्स की। इसमें पहले की तुलना में काफी सुधार देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर थोड़ी कमी जरूर हो सकती है, लेकिन जब आप पूरी तरह से मूवी में डूबे होते हैं तो ये छोटी मोटी बातें आपको महसूस नहीं होती। वीएफएक्स के इंप्रेसिव व्यूज ने फिल्म के एक्सपीरियंस को और भी बढ़ा दिया है। जहां तक विलेन की बात है, वह शायद आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। कई बार आपको लगेगा कि कहानी में बस कुछ बेकार के मॉन्स्टर्स का आना जाना है। जेनोफेस का डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन उनका रोल केवल एक दुश्मन के रूप में सीमित रह जाता है। इससे फिल्म की कहानी कुछ जगहों पर हल्की लगती है। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस एक अच्छी खासी एंटरटेनिंग मूवी है, जो सोनी के यूनिवर्स में एक नई शुरुआत करती है। टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक और वेनम का कैरेक्टर आपको फिर से अपनी जगह पर बिठा देगा। उनकी केमिस्ट्री और ह्यूमर का तालमेल आपको हंसाए बिना नहीं रह सकता। अब चलिए बात करते हैं फिल्म के एंडिंग की। मूवी के एंडिंग में हमें दो पोस्ट क्रेडिट सीन मिलते हैं। पहले वाले सीन में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो आगे चलकर बहुत मजेदार होने वाली है, जबकि दूसरा शायद उतना खास नहीं है। लेकिन यह जानना दिलचस्प होगा कि सोनी अपने यूनिवर्स को कैसे आगे बढ़ाने का प्लान बना रहा है। तो अगर आप हल्की फुल्की एंटरटेनिंग फिल्म देखने का सोच रहे हैं, जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाए, तो वेनम द लास्ट डांस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है? क्या आपने इसे देखा? अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें।